आज जो हम कर रहे हैं लॉग इन और रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। रजिस्टर वाला कोड बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे हम लोग रिकॉर्ड सिंपल रजिस्टर कर रहे थे, क्योंकि यूज़र को सिर्फ सेव करना है। फिर उसके बाद उसी में हम लोग डेटा वैलिडेशन कंट्रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जहाँ यूज़र हम लोग सेव करेंगे एक टेबल उस जगह हम क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र के नाम से टेबल नहीं क्रिएट करनी है, यूज़र्स के नाम से करनी है, क्योंकि यूज़र नाम का कीवर्ड होता है। ठीक है, यूज़र्स यहाँ पर आकर के मैं इसमें फील्ड दे लेता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन सेव करानी है। और मैंडेटरी हम लोग यहाँ पर बनानी है यूज़र आईडी, आप इसे चाहो तो ईमेल आईडी के लिए यूज़ कर लो, या फिर अगर आप बिना ईमेल आईडी के करना चाहते तो वो। मैं यूज़र आईडी को ईमेल आईडी की तरह यूज़ करने वाला हूँ। पासवर्ड वेर क्या है, मैंने इसलिए इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इसका साइज़ मैंने 30 लिया है। ठीक है, मैं F5 प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये टेबल में रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, खाली रिकॉर्ड है। एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पर आकर वेब फॉर्म, और हमने इसका नाम क्या दे दिया, रजिस्टर। रजिस्टर में हम लोगों को क्या बनाना है, ठीक है शुरू करते हैं। यहाँ पर आकर के फर्स्ट नेम और यहाँ ड्रैग करके डाल देते हैं, क्या डालेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शंस भी निकाल लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, चार हो गए। एंड देन लास्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा बटन, भाई उसके नीचे बटन होता है और बटन के बाद लेबल आएगा। यहाँ इसके ठीक नीचे मैं एक डीआर लगा देता हूँ, ताकि इस बटन के साथ में खड़ा ना हो लेबल। ठीक है, तुम्हारे वाले केस में साथ में ही था। तो यहाँ पर आकर के मैंने सारी चीज़ें बना ली। आप मुझे क्या करना है, इनको एक एक करके ठीक कर लेते हैं। इसका नाम टी एक्स टी एफ नेम, इसका नाम टी एक्स टी एल नेम, इसका नाम टी एक्स टी यूज़र आईडी, इसका नाम टी एक्स टी पासवर्ड, और यहाँ पर आकर के हम लोग कर लेते हैं इसे लास्ट नेम, और इसे क्या कर लेते हैं, यूज़र आईडी, और इसे क्या करेंगे, पासवर्ड। हालांकि कंफर्म पासवर्ड के बारे में भी हम लोग चलो बना ही लेते हैं जब बात आ गई है। यहाँ पर आकर के आपको क्या करना है, इसे चेंज करने के लिए टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड, ताकि वो हमारे टेक्स्ट को शो ना किया करे। दूसरा हम लोगों को एक और चीज़ चाहिए, इसी के ठीक नीचे बना लेता हूँ कंफर्म पासवर्ड। हालांकि अभी मैं इसे टेस्ट नहीं करूँगा, बाद में जब मैं वैलिडेशन करूँगा तो उसके बाद आपको ये दिखाऊँगा कि ये भी काम करता है। इसका नाम लिख देते हैं टी एक्स टी सी पी डब्ल्यू कंफर्म पासवर्ड, टेक्स्ट मोड इसका वही है। जो यूज़र आईडी है इसके लिए भी हम लोग टेक्स्ट मोड, इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट मोड को ऑन करते हैं, कौन सा वाला, ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। इसका नाम बी टी एन रजिस्टर, उस पर लिखा क्या होगा, रजिस्टर एल बी एल मैसेज, लिखा क्या होगा, कुछ नहीं, दैट्स इट। मैं जाता हूँ डिज़ाइन पर और मेरा पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पर तैयार है। अब नोटिस करना मैं क्या करता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, मैनुअली कभी नहीं लिखना है ये कोड, ये जो यहाँ अपने आप से लिखा आता है, ये जो मेथड बन करके आता है उसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, स्टेप नंबर टू हमारा क्या था, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एस क्यू एल क्लाइंट। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना ही कर रहा हूँ, अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इंसर्ट का कोड लिखना है।
exception ax lbl message dot text is equal to next sql connection con is equal to dbutils dot connect. हमारे थोड़ा सा इजी होता जा रहा है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, sql कमांड cmd equals to new sql कमांड. पहले insert into users values क्या क्या @fname @lname @userid @pw ये चार पिन हमें यहाँ पर भेजने हैं. अभी गलती कर रहे थे कॉमा कॉन कनेक्शन स्पेसिफाई करना मैंडेटरी होता है. सब ये फाइल आपने बनाई लास्ट क्लास में, हम लोगों ने बनाई बनाई है. उस फाइल को आपको वहाँ भी क्रिएट करना पड़ेगा या फिर आप इसे कॉपी करके वहाँ ले जा सकते हैं फाइल. ठीक है, कनेक्शन डॉट क्लोज. नेक्स्ट सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू. ये पैरामीटर्स की वैल्यू देनी है एट द रेट अपने टी एक्स टी इसीलिए देता डॉट टेक्स्ट पेस्ट 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 सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एंड दैट्स इट. यहाँ पर आकर इसे चेंज कर लेते हैं एल नेम यूजर आई डी पी डब्ल्यू डी. ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पूरा बना लिया है. लास्ट ऑफ ऑल मैं मैसेज भी शो करा दूंगा यूजर रजिस्टर्ड. ये लिखा हुआ है हमारे सामने. और आप चाहो तो सारे के सारे फील्ड्स वगैरह को क्लियर भी कर सकते हो. कैसे करोगे, टी एक्स टी फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नथिंग यूजर रजिस्टर करने का फॉर्म बना चुके हैं. इससे हमारा यूजर रजिस्टर हो जाएगा और नेक्स्ट हमारा लॉगिन के लिए करेंगे. कंट्रोल F5 प्रेस कर लेते हैं यहाँ पर रन करने के लिए. पेज हमारा ओपन हो रहा है. एक यूजर रजिस्टर करके देख लेते हैं. नेट से मैंने ले लिया अजय कुमार अजय @gmail. पासवर्ड देते हैं APTECH और रजिस्टर. क्या वाकई में यूजर रजिस्टर हो गया, नॉर्मल सी कोडिंग थी. एक और यूजर बना लेते हैं. मैं यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ यूजर को अगेन. ठीक है, तो इस तरह से हमने एक गड़बड़ और की है यहाँ पर अभी. हालांकि हम लोग इसे ठीक भी कर सकते हैं. ऑल्टर टेबल यूजर्स मैंने यहाँ पर प्राइमरी की नहीं बनाई थी. ऐड कंस्ट्रेंट पी के यूजर्स क्या प्राइमरी की कौन सा कॉलम होगा, ठीक है भाई. अभी तो ऑल्टर टेबल यूजर्स पहले ये नॉट नल करना पड़ेगा हमें. और
enter user ID varchar30 not null. अब हम करते हैं, पहले उसे नॉट नल बना दिया कॉलम को और अब प्राइमरी की बना दिया, तो उससे क्या है कि हमारा डुप्लीकेट नहीं लेगा और यूजर आईडी हमें देना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की होना चाहिए यूजर आईडी हमारा, तो देना भी मैंडेटरी होना चाहिए और वो यूनिक भी होना चाहिए थ्रू आउट द कॉलम, एक यूजर आईडी दूसरे को नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास यूजर को अभी भी हमारा बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा, यहाँ लिख दिया राजेश कुमार rajesh@gmail.com और मैं अभी भी अगर यहाँ आकर के देखूँ तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। अब बात करनी है हमें कि लॉगिन कैसे करना है, यूज़र जो रजिस्टर हो चुके हैं सिर्फ वही लॉगिन कर सके और कोई ना करे, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट एड न्यू आइटम, यहाँ पर आकर के मैं इस पेज का नाम क्या रख देता हूँ, लॉगिन पेज, और यहाँ पर आकर वही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ पर सोर्स में जा कर के सीधा ये जो कोड आपने यहाँ लिखा था कॉपी एंड पेस्ट, बार बार करना करें, यहाँ पर आकर के ये फील्ड तो अब हमें चाहिए नहीं, कंफर्म भी हमें नहीं करना है, और ये जो है हमारा एरर को डिस्प्ले करने के लिए, और ये हमारा हो जाएगा btn लॉगिन, क्लिक वाले इवेंट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, और ये हमारा लॉगिन, हालांकि आप इसे पूरा खुद से बना सकते हो, आप लोग डिज़ाइन में जाएंगे, आप डिज़ाइन में जाने के बाद डबल क्लिक और फिर वही हमारा अप सेलेक्ट स्टेटमेंट चलिए, कैसे लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है दोनों ले लिए, आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट, LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एंड देन यहां पर अगर हम लोग क्या करेंगे वही कनेक्शन बनाया, कमांड बनानी है, कमांड में क्या देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू जो यूजर आईडी होगी एंड पासवर्ड इज इक्वल टू जो पासवर्ड होगी, मेन हमारा कमांड है यहाँ पर। इस कमांड का मतलब एक बार समझ के देखो, क्या लिखा है मैंने कि यूज़र आईडी ये होनी चाहिए और पासवर्ड जो है वो होना चाहिए, अगर ये दोनों चीज़ें मैच कर जाती हैं तब अगर कोई रिजल्ट आता है, इन दैट केस हम लोग वैलिड और इनवैलिड करें, तो ऐड विद वैल्यू करते हैं, ऐट द रेट यूज़र आईडी, इसमें क्या जाएगा txt यूज़र आईडी डॉट टेक्स्ट एंड यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आकर के हमने ले लिया cmd डॉट, पहले तो एक और चीज़ रहेगी अब डेटा टेबल डेटा डॉट लोड cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, तुम्हारे सामने हर चीज़ बार बार हो रही है, इस चीज़ को एक बार नोटिस करके देखो, मेरा हर प्रैक्टिकल आपके सामने वही रिपीटेशन करता रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ डेटा डॉट रोज डॉट काउंट इज व्हाट इज इक्वल्स टू जीरो, इट मींस व्हाट
यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं इस यूजर आईडी और इस पासवर्ड की कॉम्बिनेशन पर एक भी रो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो lbl message dot text, what it will say, या तो यूजर नेम गलत है या पासवर्ड, और अदरवाइज क्या होगा, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, कौन से पेज पर भेजना है हमें, लेट से मैंने कह दिया शो ऑल डॉट, अगर हम लोगों ने वैलिड लॉगिन किया तो हम लोगों को यहाँ लॉग रीडायरेक्ट करेंगे। जो यूजर रजिस्टर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ ऐसे तो नाम से दिख रहा है क्योंकि हमने ऑटो फिल को डिसेबल नहीं किया अभी, तो मैं अजय को ही ले लेता हूँ, इसका पासवर्ड था APTT, गलत दे रहे हैं, और APTECH, और यहाँ पर आकर देखेंगे तो पहुँच गए यहाँ तक, बात समझ आई है नहीं, लॉग इन करने का ये हमारा तरीका था क्या। लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें और भी बाकी हैं, जैसे जब मैं लॉग इन करूँ तो जो मेरा ये दूसरा पेज आ रहा है शो ऑल का, जो मेरा शो ऑल वाला पेज आ रहा है, उस पर मैं क्या चाहता हूँ कि उस पर किसी जगह पर वेलकम लिखा हुआ है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम, और वेलकम के आगे मेरे यूज़र का नाम आना चाहिए, तो कैसे आएगा, एक लेबल लेकर के डाल देते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ मैं, इसकी हटा देता हूँ फिलहाल इसे, और इसकी आईडी में दे देता हूँ क्या, LBL यूज़र। मुझे क्या करना है, जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसकी लॉगिन आईडी मैं वहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना है एक एक करके, लॉगिन वाला पेज ही हमारा रीडायरेक्ट हो रहे थे वैलिड होने पर। यहाँ पर मेरे पास एक बना बनाया है, हमारे पास सेशन नाम से क्लास है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं क्या, इंडेक्सिंग के थ्रू। यहाँ पर मैंने क्या करना है, ध्यान से देखना, सेशन नाम की मेरे पास एक तरह से एरे है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है इस एरे में क्या, यूज़र आईडी, और इसमें मैं क्या स्टोर कर देता हूँ, जो हमने यूज़र आईडी में मेंशन किया था, ये मैंने यहाँ से, ये हमारे पास क्या है, मैं इस लाइन को भी यहाँ लिख देता हूँ, स्टोर यूज़र आईडी जो हमने एंटर की है, एंटर्ड बाय यूज़र इनटू सेशन, सेशन में स्टोर कर लिया। आपने कई बार देखा होगा लॉग इन करने के बाद थोड़ी देर तक जब हम लोग वेबसाइट को आइडल छोड़ देते हैं तो वो कहते हैं सेशन एक्सपायर्ड, तो ये सेशन वही होता है हमारा, जब तक हम लोगों ने लॉग इन किया हुआ तब तक डेटा स्टोर रखना। स्टेट मैनेजमेंट का एक टॉपिक मैं पूरा कराऊंगा आपको, जिसमें आपको सेशन बुकीज इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, क्वेरी स्ट्रिंग होता है हमारे पास, एप्लीकेशन स्टेट होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग जिस टॉपिक से रिलेटेड इस पर बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या बेनिफिट है, मुझे ये यूज़र आईडी दूसरे पेज पर लेके जानी है, हाउ कैन आई, मैं इस यूज़र आईडी को दूसरे पेज पर लेके जाना चाहता हूँ, मैं कैसे ले जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पहला तरीका यूज़ कर रहा हूँ सेशन, सेशन के थ्रू मैंने यहाँ सेशन में डेटा स्टोर कर दिया, किस नाम से, यूज़र आईडी, और अब ये जो शो ऑल पेज है इसमें जा कर के जो पेज लोड है इसी में लिख देते हैं LBL यूज़र डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सेशन, यहाँ भी किस नाम से बनाया था, यूज़र आईडी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट टाइप में होता है इसीलिए इसे कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग में, सेशन में डेटा पुट कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था ना, ऑब्जेक्ट में बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट एक कंटेनर जिसमें आप किसी भी तरह की वैल्यू पुट कर सकते हो, बट वापस गेट बैक करना है, अनबॉक्सिंग करते वक्त क्या करते हैं, उसे वापस टाइप कास्ट किया जाता है या फिर टू स्ट्रिंग अगर वो स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, बताया था बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, याद है थोड़ा बहुत, छोटे छोटे टॉपिक धीरे धीरे याद आते रहेंगे, अब क्या क्या बातें हुई हैं अलग, यहाँ पर आकर के अब हम क्या करते हैं, वापस मैं बैक लेता हूँ, रीलोड करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ विजय लिया और मैंने यहाँ लिखा ANAND, मैंने अपना वैलिड लॉगिन लगाया और आप देखेंगे ओ वेलकम क्या गया तो कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, अच्छा ठीक है, हमने C# की फाइल में चेंज किया और बिल्ड नहीं किया, कंट्रोल शिफ्ट B, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी बात है, हम लोग
भूल गए, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि हमारी कुछ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं। रीनोट करता हूँ पेज को वापस, मैं विजय से लॉग इन करवाता हूँ। ANDD एंड ऐसा हर पेज पर आएगा। अब आप कितने भी पेजों पर जाइए, जैसे मैं ऐड स्टूडेंट पर जाता हूँ और यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहता हूँ वेलकम करके, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा ऐड स्टूडेंट का कौन सा पेज था, हमारा ऐड स्टूडेंट का कौन सा पेज था, सेव रिकॉर्ड था। तो सेव रिकॉर्ड में भी हम लोग कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर के मैं एक लेबल डाल देता हूँ और इस लेबल की प्रॉपर्टीज में जा करके LBL यूजर सेम ही नाम दे रहा हूँ इसका भी। और आप चाहो तो इसकी कुछ अच्छी सी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोल्ड कर दिया वेलकम, तो ये वेलकम के आगे भी यूजर का नाम लिखा आएगा। थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पर साइज के भी ऑप्शन होंगे हमारे पास, मीडियम ऑलरेडी है ना, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, पेज लोड पर जाते हैं, पेज लोड पर जाके क्या करना है, LBL यूजर डॉट टेक्स्ट क्या लिखाना चाहिए, जो सेशन में स्टोर कर रखा है। सेशन में एक बार स्टोर होने के बाद आराम से वो रहता है जब तक हम लोग अपने ब्राउजर को क्लोज नहीं करते, ठीक है, या फिर हम मैन्युअली उसमें लॉग आउट का ऑप्शन लेकर सेशन को अबंडन नहीं करते हैं, ठीक है। इसकी एक टाइम लिमिट भी होती है कि अगर इतने टाइम तक आपने आइडल रखा तो आपका सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। डिपेंड्स आप किस वेब ब्राउजर में और किस वेब टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम रखेंगे इसे भी, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम लोग एक कंटेनर की तरह, मैं आपको बता दूँ, एक बार स्टोर कीजिए और फिर पूरी वेबसाइट में कहीं भी यूज़ कीजिए। वेबसाइट स्पेसिफिक होता है, ये नहीं किसी दूसरे यूजर का आपने दूसरी वेबसाइट का सेशन का जो वेरिएबल है वो अपनी में एक्सेस कर लिया, नहीं, ये सर्वर साइड स्टोरेज होती है। मैं आपको इसके बारे में अलग से ही बताऊंगा। फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टोर करने का तरीका सिंपल था, लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो स्टोर, राइट हैंड साइड में रखोगे तो रीड। लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो स्टोर और राइट हैंड साइड में रखोगे तो रीड। सेशन में स्टोर करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से जो डेटा पुट करवाना चाहते हैं और राइट हैंड साइड में रख करके उससे हम रीड भी कर सकते हैं, तरीका दोनों में सेम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल शिफ्ट बी कर लेता हूँ, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट बी कर लेता हूँ पहले यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर आकर के रीलोड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट रेफरेंस बैक ले लेते हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर राजेश लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ऐड स्टूडेंट, और आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ सारी चीज़ें, अब हर एक पेज पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने एक बार उसे स्टोर किया और फिर मैं कहीं भी उसे यूज़ कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो हमारे सामने यहाँ पर आ रही है वो क्या है, मैं यूज़र नेम स्टोर कराना चाहता हूँ, यूज़र आई डी, तो इन दैट केस क्या करेंगे, तो आप जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते वक्त अभी हमने क्या डाला था, यूज़र आईडी। अब मैं क्या डालता हूँ, सेशन ऑफ एफ नेम इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ डेटा डॉट रोज ऑफ ज़ीरो ऑफ एफ नेम। थोड़ा बहुत शायद याद आ जाएगा, हम लास्ट टाइम भी यही किया था, क्योंकि मेरे पास एक रो आई है उसके अंदर जो हमने लॉगिन किया था और उसमें से मैंने एफ नेम वाले कॉलम की वैल्यू निकाली। अगर आप चाहते हो फुल नेम निकालना है इसका, एफ नेम का मतलब फुल नेम बनाना चाहते हो, तो कैसे करोगे, स्पेस डेटा डॉट रोज डॉट सॉरी ज़ीरो ऑफ एल नेम। अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैंने एफ नेम यूज़ किया है तो मुझे जाना है कहाँ, शो ऑल पर, और मैं इस बार क्या शो कराऊंगा, जो एफ नेम में है ना कि यूज़र आईडी में। ऐसे ही जब मैं सेव रिकॉर्ड की बात करूँगा तो यहाँ पर भी एफ नेम, भाई एक मेरे पास दो चीज़ें स्टोर करा दी अब मैंने, एक यूज़र आईडी और एक
खोलने हैं, मैंने दोनों चीज स्टोर करा ली, अब मुझे कौन सी चीज डिस्प्ले करनी है ये मेरे पे डिपेंड करता है। यूजर आईडी तो सेम होती ही होती है, ये चीज दिमाग में रखना, मैंने इसलिए वो हटाई नहीं थी वहां से। तो यूजर आईडी आगे कल को मान लो मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ तो कैसे करूंगा, उसे कैसे पता चलेगा किस यूजर आईडी का पासवर्ड चेंज हो रहा है। इसीलिए हम लोग वहाँ पर यूजर आईडी तो सिर्फ करेंगे ही करेंगे, बट अगर आप फुल नेम डिस्प्ले करना चाहते हो उसे भी सेशन में डाल दो, लॉग आउट करते ही हम लोग वापस से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें देखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी कर लेते हैं एंड देन वापस मैं इसे रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद मैं यहाँ पर लेट सपोज विजय से लॉग इन करता हूँ, ANAND एंड लो विजय कुमार लिखा रहा है, विजय कुमार लिखा रहा है, बात समझ आ रही क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है, आगे चल के मैं आपको मास्टर पेज बताऊंगा, एक बार मास्टर पेज पे लगा देंगे सारी चीजें, वह हर पेज पर अपने आप से दिखाई नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, लॉग इन और रजिस्टर करना विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस ADO.NET, ठीक है। सेशन का थोड़ा सा नहीं समझ के चलना है कि अगर आपको एक वैल्यू एक पेज से दूसरे पेज तक लेकर जानी है तो इस टाइम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही चीज समझ में आ गई, yes,